अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए सात ज़बरदस्त किस्म के ऐप्स लेकर आया हूँ। कुछ बिल्कुल नए ऐप्स हैं, कुछ के बारे में आप पहले से जानते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं जिनके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो बात करते हैं पहले ऐप की। आप अपने मोबाइल से कोई पोर्ट्रेट इमेज बनाते हैं, वो उतनी ज़बरदस्त नहीं आती जितनी आप चाह रहे होते हैं। तो आप अपने मोबाइल से एक नॉर्मल इमेज बना के सेव कर लें, उसके बाद अपने गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आपने जो ऐप इंस्टॉल करना है उसका नाम है फोकस। फोकस नहीं, FOCOS ये इसका नेम है और ये इसका ऐप का आइकन है। इसको आपने इंस्टॉल करना है। इसका आइकन एंड्रॉयड में और है, यहाँ पे और है, लेकिन नाम एक ही है। इसको आपने इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। आपने जो नॉर्मल पिक्चर बनाई है उसको अपने इसमें ऐड करना है। ये कैलकुलेट करता है और उसके बाद आपकी पिक्चर को, ये देखें यहाँ पे, ये मेरी नॉर्मल इमेज है, ये मैंने पिछले अपने वीडियो में ऐड की थी थंबनेल के लिए। ये देखें इस तरीके से ये आपकी पिक्चर को, बैकग्राउंड को ब्लर करता है, पोर्ट्रेट बन जाती है आपकी पिक्चर। जितना आप चाहें उसकी डेप्थ रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से करता है। फाइन एज बनती है इसके साथ। आप काफ़ी ऐप्स यूज़ करते होंगे लेकिन उसमें इस तरह का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जैसा रिजल्ट आपको इस ऐप के अंदर मिल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है अपनी किसी भी नॉर्मल इमेज को पोर्ट्रेट इमेज बनाने के लिए। इसके अंदर आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं कि आपने किस एरिए को ब्लर करना है, किस एरिए को पोर्ट्रेट करना है। ये देखें इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर और भी बेशुमार फीचर्स मौजूद हैं, आप उनको यूज़ करके अपनी पिक्चर को ज़बरदस्त बना सकते हैं जैसे आप चाहें। इसको यूज़ करके देखें। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है आपकी पिक्चर को पोर्ट्रेट बनाने के लिए, उसकी सेटिंग करने के लिए, उसको DSLR इफेक्ट देने के लिए। इसको लाजमी इंस्टॉल करें, इसको ट्राई करें। तो बात करते हैं दूसरे ज़बरदस्त ऐप की। अगर आप घर में फारग बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप गाने वगैरह सुनने के बजाय, अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से ये ऐप इंस्टॉल कर लें, NASA नासा। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, इसको आप इंस्टॉल करके ओपन कर लें। इसके अंदर आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी, फारिग वक्त में आप इसमें बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। अल्लाह पाक की शान को आप देख सकते हैं, स्टार्स देख सकते हैं, मून्स के बारे में देख सकते हैं, सैटेलाइट्स के बारे में देख सकते हैं, कौन कौन से मिशंस होने जा रहे हैं, क्या कुछ नया दरियाफ्त हो चुका है वो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, मून्स की शक्ल्स देख सकते हैं, स्टार्स देख सकते हैं, खला में भेजने के लिए अब तक क्या क्या तैयार किया जा चुका है, क्या कुछ बनाया जा चुका है, कैसी कैसी मशीनें, कैसे कैसे रोबोट्स ईजाद कर लिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। 3D की शक्ल में चेक कर सकते हैं, आप उनको डीपली चेक कर सकते हैं, डीपली उनका विजिट कर सकते हैं। ये देखें खला में भेजने के लिए रॉकेट्स और रोबोट्स कैसे कैसे तैयार हो चुके हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, इनको स्टडी कर सकते हैं, इनके बारे में आपको काफ़ी सारी मालूमात मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, इस ऐप के ज़रिए इन चीज़ों को देखने से आपका अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है, मज़ीद पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह ताला की शान देखते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ नज़र आती हैं आपको, तरह तरह की दुनियाएँ आपको नज़र आती हैं। इस ऐप के अंदर आपको खला के बारे में बेशुमार चीज़ें मिलती हैं, बेशुमार आपको मालूमात मिलती है। तो फारिग वक्त को आप इस चीज़ में लगाएं, आपका ईमान भी पुख्ता होगा, आपका वक्त भी बर्बाद नहीं होगा। तो बात करते हैं तीसरे ज़बरदस्त ऐप की। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट्स में सवाल करते हैं कि फैसल भाई अपनी वीडियो के रिज़ल्ट को कैसे सेट करें, उसकी क्वालिटी को कैसे हाई करें, उसको कैसे क्लियर करें। तो आपने चले जाना है अपने गूगल के प्ले स्टोर में या एप्पल के ऐप स्टोर में। यहाँ पे आपने टाइप करना है SODA सोडा। ये ऐप आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने अपनी वो वीडियो ऐड करनी है जिसको आप सेट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने टचअप पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे अपनी जितनी आप चाहें उस वीडियो को आप सेट कर सकते हैं। ये देखें दाने वगैरह ख़त्म हो जाते हैं इसमें और वीडियो आपकी क्लियर हो जाती है जितनी आप चाहें। इस तरीके से पोज वगैरह को सेट कर सकते हैं आप, जितना चाहें आप, जितना मज़ीद क्लियर करना चाहें क्लियर कर सकते हैं। ये देखें वीडियो आपकी क्लियर हो जाती है, फ्रेश हो जाती है बिल्कुल। उसके बाद इसके ऊपर अगर आप मैट देना चाहें तो मैट दे सकते हैं। ये देखें इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। टेक्सचर देना चाहें, ये देखें आपको वाजिया नज़र आएगा। ये देखें इस तरीके से आप अपने इस वीडियो के अंदर आइज़ की क्लैरिटी अगर धुंधली आ रही हैं तो आप उनको ब्राइट कर सकते हैं। ये देखें वाजिया तौर पर आपको ब्राइट नज़र आती हैं। इस तरीके से ये एक ब्यूटी ऐप भी है और आपकी वीडियो को सेट करने के लिए ज़बरदस्त ऐप है। इसके अंदर आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने टिक पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सेव कर देना है और आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। इस रिज़ल्ट में ये देखें क्लियर रिज़ल्ट आ रहा है, आइज़ भी क्लियर हो चुकी हैं, पिक्सल्स भी क्लियर हो चुके हैं। इस तरीके से आप इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं जैसे आप चाहें।
और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, जो भी आप चाहें इस तरीके से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए। तो इस ऐप को इंस्टॉल करें, इसको ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ये भी आपके बहुत काम आएगा। तो बात करते हैं चौथे ज़बरदस्त ऐप के बारे में। इस ऐप के बारे में बंदा जानता है, तकरीबन हर बंदे के पास ये इंस्टॉल भी होगा। इस ऐप का नाम है गूगल अर्थ। लेकिन इस ऐप के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर ऐड हुआ है। अगर ये ऐप आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो अपने प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में जाकर इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लें, ये आपके सामने आ गया है ऐप। सभी लोग इस ऐप को यूज़ करना जानते हैं। यहाँ पे सर्च आइकन के साथ जो आइकन है इस पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे ऑप्शन आई है टाइम लैप्स इन गूगल अर्थ, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे कि हम चलते हैं दुबई में, इसका मैं आपको टाइम लैप दिखाता हूँ। ये देखें पूरे 1984 से लेके अब तक की यहाँ पे जो चेंजेस आई हैं ये देखें, ये आपको पूरी हिस्ट्री दिखाता है किसी भी इलाके की। जैसे आप चाहें, जिस इलाके की आप चाहें उस इलाके की आप हिस्ट्री को देख सकते हैं। ये आपको पूरे 35 साल की हिस्ट्री दिखाता है कि पूरे 35 साल में ये ज़मीन कैसे कैसे चेंज हुई है, इस इलाके में, इस शहर में क्या कुछ नया चेंज हुआ है, कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनी हैं, कैसे कैसे ज्योग्राफिक चेंजेस आई हैं। ये देखें इस तरीके से आप किसी भी इलाके की पूरे 35 साल की हिस्ट्री को आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर लॉन्च हुआ है, इसको इंस्टॉल करें, अपने इलाके को जाके देखें, 35 साल की हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी कि आपका इलाका 35 साल से अब तक कैसे था और कहां तक आ गया है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं। तो बात करते हैं पांचवें ज़बरदस्त ऐप के बारे में। आप अपनी किसी भी वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल में आने वाली बैकग्राउंड नॉइज़ को क्लियर करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने अपने गूगल प्ले स्टोर में या एप्पल के ऐप स्टोर में चले जाना है और यहाँ पे टाइप करना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ये आपके सामने आ जाएगा, इसे आपको अपने इंस्टॉल करना है। ये इसका आइकन है, इसको देख लें। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। इसको इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लेना है। इस ऐप के अंदर आप अपनी किसी भी ऑडियो फाइल की नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप अपनी किसी वीडियो फाइल की ऑडियो में से नॉइस को रिमूव करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी उस वीडियो फाइल की एक ऑडियो फाइल बना लें, उसको इस ऐप के अंदर ले आएं। ये देखिए यहाँ पर आपको फीचर मिल जाते हैं, इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी नॉइज रिडक्शन, इसको आपने अप्लाई कर देना है एज इट इज ही। चेंजेस आपने नहीं करनी, अगर करना चाहते तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो ये सेटिंग बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग है ऑलरेडी, इसको आप क्लिक करते हैं। ये देखें नॉइज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से आप अपनी ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल में से इस ऐप के ज़रिए बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इस ऐप के बारे में मैं पहले ही एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ये उसका लिंक है, आप जाके देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। लेक्सिस ऑडियो एडिटर, इसको इंस्टॉल करें, इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो बात करते हैं छठे ज़बरदस्त ऐप के बारे में। व्हाट्सएप पर आपका कोई फैमिली ग्रुप है, वो आप किसी और को शो नहीं करना चाहते, या फिर आप ऑफिस वर्कर हैं, काफ़ी सारे लोगों से आप काम ले रहे हैं, या फिर आप किसी टीम के हेड हैं, आप अपनी पूरी टीम को कोई मैसेज देना चाहते हैं, उनके साथ एक साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई फाइल शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ जगहों से कोई काम ले रहे हैं, तो ये ऐप आपके लिए ज़बरदस्त ऐप है। आपने चले जाना है अपने एप्पल के ऐप स्टोर में, गूगल के प्ले स्टोर में, यहाँ पे आपने टाइप करना है टीम, ये आइकन आपके सामने आ जाएगा। ये देखें माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से है, इसको आपने इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने लॉगिन कर लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है। ये देखें इसके अंदर आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, एट अ टाइम 10 लोगों के साथ आप इकट्ठी बातचीत कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनको फाइल्स शेयर कर सकते हैं, उनको टास्क दे सकते हैं, तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ फीचर्स हैं इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये मीट की ऑप्शन है, यहाँ पर आप चाहें तो अपना फैमिली ग्रुप बना लें, कोई टीम का ग्रुप बना लें, कोई ऑफिस ग्रुप बना लें, उनके साथ आप एट ए टाइम 10-12 लोगों के साथ आप बैठ के वीडियो कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वीडियो कॉलिंग होती है बड़े ज़बरदस्त तरीके से होती है। और काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, आप हॉलीडेज प्लानिंग कर सकते हैं, फैमिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वर्क प्लेस बना सकते हैं, हॉलीडेज सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें इस ऐप के अंदर आप मतलब टीम वर्क कर सकते हैं, अपने फैमिली ग्रुप्स को आप यहाँ पे रख सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप में शो नहीं करवाना चाहते, क्योंकि व्हाट्सएप बिल्कुल ओपन है, हर कोई देखता है। ये ऐप आपके लिए बड़ा सिक्योर ऐप है और एक अलग से ऐप है, यहाँ पर आप अपना अलग से काम कर सकते हैं और अपनी फैमिली की चैटिंग्स को, उसके ग्रुप्स को, उसकी डिस्कशन को आप यहाँ पर अलग से सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए ये ऐप बड़ा ज़बरदस्त ऐप है, ऐप का नाम है टीम ऐप, इसको इंस्टॉल करें, इससे फ़ायदा उठाएँ। तो बात करते हैं सातवें और आखिरी ज़बरदस्त ऐप की। अगर आप क्रिएटर हैं, मेकर हैं, यूट्यूबर हैं तो ये ऐप आपके लिए है। आपने चले जाना है अपने एप्पल के ऐप स्टोर में या गूगल के प्ले स्टोर में, यहाँ पर आपने टाइप करना है नोड वीडियो, नोट नहीं नोड वीडियो, ये आपके सामने आ जाएगा। ये इसका आइकन है, इसको नोट कर लें अच्छी तरह, इसको अपने इंस्टॉल कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है।
ये ऐप किस लिए है? इसका एक ही फीचर बहुत जबरदस्त है, वो है क्रोमा की ग्रीन स्क्रीन। ये इतने जबरदस्त तरीके से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करता है कि आप दंग रह जाएंगे। इसको इंस्टॉल करें, इसको यूज करें। इसका तरीका प्रॉपर मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया हुआ है, ये इसका लिंक है, इसको जाके देख लें। इसमें आपको इसका प्रॉपर तरीका समझ आ जाएगा कि इसके अंदर आपने ग्रीन स्क्रीन को, क्रोमा की को कैसे यूज करना है। नोड वीडियो, इसको इंस्टॉल करें, इससे फायदा उठाएं। हाँ जी, तो ये थे 7 जबरदस्त ऐप। उम्मीद है ये ऐप आपको बहुत पसंद आए होंगे। इनमें से कौन सा ऐप आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसके अलावा किसी अच्छे ऐप के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में भी लोगों को कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम।